नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर राजीव कुमार शर्मा वेलकम करता हूं अपने चैनल ए ब्यूटीफुल माइंड क्लिनिक में। आज हम बात करेंगे एक काफ़ी रिक्वेस्टेड और कॉमन टॉपिक की, वो है पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स। पर्सनालिटी तो हम सब की होती है और जो ट्रेट्स से मिलके बनती है। पर्सनालिटी का मतलब क्या है, जैसे कि किसी का स्वभाव है कि वो बहुत पॉजिटिव माइंडेड है, किसी का स्वभाव है कि वो नेगेटिव माइंडेड है, कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं और कुछ लोग एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं, और ये सब कुछ ठीक है, मतलब काम चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट डिसऑर्डर वर्ड का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब उसकी वजह से डिसफंक्शन हो या कोई कमी आ रही है लाइफ में, जिसकी वजह से उनकी खुद की लाइफ में या उनके आसपास के जैसे घर वाले हैं, वाइफ है या उनके फ्रेंड्स हैं या उनके ऑफिस है, उसकी वजह से उनकी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, चाहे वो उस चीज़ को समझें या ना समझें, लेकिन नुकसान होना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि पर्सनैलिटी तो हम सबकी है। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स को काफ़ी कॉमन है, ये 10-20% लोगों में होते हैं। इसका मतलब 5 से 1 या 10 में से 1 इंसान को कोई ना कोई पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। और ऐसा भी रिसर्च के हिसाब से देखा गया है कि जिनको साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स होती हैं उनमें 50% लोगों को पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स होते हैं, और जिनको साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स होती हैं या जिनको पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है पर से, उनमें नशा करने की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है, जैसे कि एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में होता है। उनमें मूड डिसऑर्डर ज़्यादा होते हैं, जैसे बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में होता है, और उनमें सुसाइड करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, या पैरा सुसाइड जो कि बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स में होता है। उनमें ईटिंग डिसऑर्डर जैसे एनोरेक्सिया नर्वोजा, बुलिमिया नर्वोजा, ये सब ज़्यादा होते हैं। उनमें घबराहट और एंग्जाइटी ज़्यादा होती है, जैसे एंग्शियस एंड अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हैं। तो किसी भी पर्सनैलिटी को डायग्नोज करने के लिए हमें क्या चाहिए, कम से कम सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है इसमें जो पहले नंबर पे आएगा वो है एज। यूजुअली हम 18 साल से पहले किसी को भी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर डायग्नोज नहीं करते हैं, और इसका बहुत ही बड़ा प्राइम दो नॉट वेरी गुड एग्जांपल है, दिल्ली में जो रेप केस हुआ था उसमें जो कन्विक्टेड लोग थे जिन्होंने गलत काम किया था एक लड़की के साथ, उसमें एक लड़का 18 साल से छोटा था, इसलिए उसको 3 साल के बाद ही छोड़ दिया गया क्योंकि उसकी उम्र 18 साल से कम थी। तो 18 साल एक काफ़ी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है, नॉट इन टर्म्स ऑफ डायग्नोसिस, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और इसमें क्या होता है कि लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, उसके बाद इंडिया में लॉ चेंज हुआ, मर्डर और रेप जो है वो 16 साल के बाद एज एन अडल्ट ही उनको ट्राई किया जाएगा, जुविनाइल कोर्ट्स में नहीं होगा। बट एज ए हमारे क्राइटेरिया में स्टिल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का डायग्नोसिस बनाने के लिए आपको 18 साल की उम्र का इंतज़ार करना ही पड़ेगा। उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट वर्ड है ट्रेट। ट्रेट का मतलब होता है स्वभाव या हैबिट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट। फिर कई लोग होते हैं रिस्क टेकर्स होते हैं, जैसे स्टीव जॉब्स वुड बी ए वेरी गुड एग्जांपल, बहुत ही बड़े इनोवेटर रहे हैं जो कि रिस्क टेकर रहे हैं। हार्म अवॉइडेंस, जैसे आमतौर पर बंदों की टेंडेंसी होती है कि वो रिस्क नहीं लेना चाहते लाइफ में, तो ये नॉर्मल ट्रेट्स है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। ट्रेट का मतलब ये है कि जैसा आपका दोस्त रिंकू 4th कक्षा में था, जब वो 40 साल की उम्र में भी आपके साथ मिला तब भी उसमें उसकी वही स्वभाव है, तब भी वो आपका मजाक उड़ाता था, तब भी वो आपका मजाक उड़ाता है, तो उसका स्वभाव वो वैसा का वैसा ही है, वो बिल्कुल बदला नहीं है, तो इसका मतलब ये है ट्रेट। जबकि एक दूसरा वर्ड होता है साइकेट्री में जिसको बोलते हैं स्टेट, जो कि मूड डिसऑर्डर्स में होता है। स्टेट का मतलब होता है चीज़ें बदलती रहती हैं, जैसे सुबह आपका मन खुश था, शाम को थोड़ा आप नॉर्मल फील कर रहे थे, रात तक आप बोर हो गए और अगले दिन आप फिर फ्रेश फील करने लगे, तो आपका स्टेट ऑफ माइंड जो है वो बदलता रहता है और वो आसपास की सिचुएशंस पे भी डिपेंड करता है। जबकि जो आपका स्वभाव है वो आपका आउटलुक है, जैसे अगर कोई पॉजिटिव माइंडेड है तो वो एक नेगेटिव सिचुएशन में भी कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी ढूंढ लेता है, और अगर कोई पेसिमिस्टिक है तो एक अच्छी सिचुएशन में भी कुछ ना कुछ अपनी कलाकारी से नेगेटिविटी ढूंढ ही लेता है, तो इसको बोलते हैं ट्रेट। ऐसे लोग बहुत ही कम ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, उसका रीज़न ये है, इसके लिए 2 वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं, एक है ईगो सिंटोनिक और दूसरा वर्ड है एलोप्लास्टिक। ईगो सिंटोनिक का मतलब होता है, ईगो मतलब मैं, मुझे अपनी बातें पसंद आती हैं तो उसको बोलते हैं ईगो सिंटोनिक। लेट मी गिव अ सिंपल एग्जांपल, जैसे एक बच्चा किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है और उसके मन में विचार आता है कि यार तू तो पास हो जाएगा और तेरे बढ़िया नंबर आएंगे, हो सकता है तू टॉप कर जाए, तो उसको ऐसे विचार अच्छे ही लगेंगे जिसको बोलेंगे ईगो सिंटोनिक, मुझे अपने विचार पसंद आते हैं। लेकिन उसके मन में कई बार डर के मारे ऐसे विचार भी आएंगे कि तेरा तो नहीं हो पाएगा भाई, इस बार पास हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा भगवान जाने, तो उसको बोलते हैं ईगो डिस्टोनिक, जो कि ओसीडी का पार्ट ज़्यादा है एज ए साइकेट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स होते हैं वो ईगो सिंटोनिक होते हैं, उनको लगता ही नहीं कि वो गलत है। जैसे जो एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स होते हैं, जो मर्डर करते हैं, रेप करते हैं, उनका भी जब इंटरव्यू लिया जाता है उनको नहीं लगता कि उन्होंने कुछ भी गलत किया है। या अगर आपने कभी डेल कार्नेगी की बुक पढ़ी होगी हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, उसमें जो पहला चैप्टर है वो है नेवर क्रिटिसाइज कंडेम्ड एंड कंप्लेन।
बिकॉज जो मर्डरर्स होते हैं उनको भी नहीं लगता कि वो कभी उन्होंने कुछ गलत किया है, बट उसकी वजह से सोसाइटी की प्रॉब्लम तो हो ही रही है। तो क्योंकि पेशेंट को भी नहीं लगता कि वो गलत है, तो इसलिए वो इलाज के लिए आते ही नहीं। वो इलाज के लिए अक्सर कब आते हैं, जब उनकी शादी टूटने के कगार पर होती है, तो उनकी वाइफ उनको ज़बरदस्ती लेके आती है, या फैमिली का प्रेशर होता है, जब वो फैमिली मेंबर्स के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, या बार बार उनकी जॉब छूट रही है, या खुंदक या गुस्से में वो जॉब छोड़ाते हैं, तब लोग आते हैं, या उन्होंने कुछ ऐसा काम कर दिया जो लीगल एंगल से हो जाए, तो उनको सोचा जाएगा कि इलाज करने की ज़रूरत है। इसके साथ एक और वर्ड आता है इगोसिंटोनिक के साथ, एलोप्लास्टिक। आमतौर पर इंसान में क्या माना जाता है कि सपोज़ हम नई कंपनी ज्वाइन करेंगे तो हम वहाँ का कल्चर अडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे, रादर देन हम चाहें कि दूसरे हमारी तरह बदल जाएं। बट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में उल्टा होता है, उनको लगता है कि सामने वालों को बदलने की ज़रूरत है, लोगों को बदलने की ज़रूरत है, इन्वायरमेंट को बदलने की ज़रूरत है, उनको बदलने की ज़रूरत कतई ही नहीं है। इसलिए ये लोग इलाज के लिए नहीं आते हैं, बट प्रॉब्लम तो होती है, इनकी अपनी लाइफ में भी प्रॉब्लम होती है, और इनके आसपास जो लोग होते हैं, चाहे वो फैमिली के रूप में हो, चाहे वो वाइफ के रूप में हो, चाहे फ्रेंड्स के रूप में हो, चाहे ऑफिस के कलीग्स के रूप में हो, इनको दिक्कत आती है इनको अच्छे फ्रेंड्स बनाने में, कॉन्फिडेंट लोग बनाने में, या डीप रिलेशनशिप्स बनाने में काफ़ी दिक्कत आती है, जो कि काफ़ी खुशी का इंपॉर्टेंट रीज़न होता है कि हमें वन ऑफ द इंपॉर्टेंट हैप्पीनेस अपार्ट फ्रॉम मनी जो मिलती है वो मिलती है डीप रिलेशनशिप के साथ, जो कि ज़्यादातर ये लोग लैक करते हैं मेजॉरिटी ऑफ द पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स में। मेजॉरिटी ऑफ द पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स को टोटली 10 पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हैं इन टोटल, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली 4, 3, 3, या टोटल 10 पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हैं DSM-5 के हिसाब से, जिनको तीन कैटेगरीज में बांटा गया है, क्लस्टर ए, क्लस्टर बी एंड क्लस्टर सी। क्लस्टर ए होता है ऑड एंड एसेंट्रिक, अजीब और हिले हुए लोग, इसमें तीन पर्सनैलिटीज आती हैं, पैरानॉइड, शक करने वाले, स्किजोइड, खुद में गुम रहने वाले, स्किजोटिपल, कुछ अजीबोगरीब सी हरकतें करने वाले लोग। क्लस्टर बी आता है ड्रामेटिक, इराटिक, इमोशनल, ड्रामेबाज लोग आप कह सकते हैं, इसमें आता है एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, लॉ ब्रेक करने वाले, और उसके बाद भी लैक ऑफ रिमोर्स, उनको नहीं लगता है कि उन्होंने कोई गलत काम किया या उनमें कोई गिल्ट है। उसके बाद आती है बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, जो कि काफ़ी इमोशनली अनस्टेबल होते हैं, सुसाइडल टाइप के होते हैं। उसके बाद आते हैं हिस्ट्रॉनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, जो अपनी तरफ अटेंशन सीक करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, जैसे कि आपने राखी सावंत को देखा होगा या पूनम पांडे को देखा होगा। उसके बाद आते हैं नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, नार्सिसिज्म का मतलब होता है अपने ही प्यार में पागल। तो ये वो लोग होते हैं जो सेंस ऑफ इम्पॉर्टेंस, उनको लगता है वो पैदाइशी राजा या राजकुमार हैं और लोगों को उनको सर्व करना चाहिए, उनकी बातें माननी चाहिए, एंड सो ऑन। आपके मन में काफ़ी सारे थॉट्स आ रहे होंगे हमारे घर में या जानने वाले कौन कौन लोग हैं जो इस तरह के हैं, और सच में ऐसे लोग होते हैं। उसके बाद क्लस्टर सी आता है एंक्शियस एंड फियरफुल, एंक्शियस एंड फियरफुल में तीन पर्सनैलिटीज़ आती हैं, एक आती है OCPD ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, जो कि परफेक्शनिस्ट लोग होते हैं, वो अपना कोई भी काम समय पे नहीं कर पाते और काफ़ी रिजिड से होते हैं। उसके बाद आते हैं एंक्शियस एंड अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स, एंक्शियस मतलब घबराने वाले और दूसरों को अवॉइड करने वाले, इनमें इनको बहुत ही ज़्यादा फियर ऑफ रिजेक्शन रहता है या क्रिटिसिज्म रहता है, इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, डिटेल में हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे। उसके बाद आते हैं डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का मतलब है ये लोग अपना डिसीजन डे टू डे बेसिस पे नहीं ले पाते हैं। जब अपनी लाइफ में हम कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेते हैं तो डेफिनेटली हम दूसरों की राय लेते हैं, कि हम जब घर खरीदते हैं या गाड़ी खरीदते हैं या कोई प्रोफेशनल डिसीजन लेना होता है या शादी की बात होती है या कोई और भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बट डे टू डे डिसीजन के लिए तो हम खुद ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो ये चाहते हैं कि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई और ले ले, और ये खुद से और दूसरों से अपना डिसएग्रीमेंट भी शो नहीं कर पाते हैं। इनको किसी की कोई बात गलत लगी तो ये नहीं बोल पाएंगे कि तेरी बात गलत है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इस तरह की वीडियोस पसंद आते हैं तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं उनके साथ जो इस तरह की और जानकारी को जानना चाहते हैं, कमेंट बिलो कर सकते हैं अगर आपके मन में कोई डाउट रह गया है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को हिट कर सकते हैं कि हमारा नेक्स्ट अपलोड वीडियो होते ही आपको मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।